हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। वेलकम बैक टू द व्लॉग। आप सबको एक वेरी वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस इंडिपेंडेंस डे। नीचे महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आई एम श्योर यहां पे बहुत अच्छे से मनाएंगे, बट मैं, पापा और रशि निकल रहे हैं अमृतसर की ओर फ्लाइट लेके। चलो फटाफट चलो। जय माता दी। तो अभी जा रहे जहाज में बोर्ड करने। मैं थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम बाकी था एडिटिंग का, वो आज जाने ही जाना है, बट हो तो नहीं भाई। अब देखते हैं क्या करेंगे, वहां जाके कर लेंगे। अरे वाह पापा। सर होटल में चेक इन कर लिया, दिस इज रेड एंड ब्लू। अभी बज रहे 12। बॉर्डर पे, अटारी वाघा बॉर्डर पे शुरू होता है कार्यक्रम 5 बजे। तो लोग कह रहे हैं कि 3:30 बजे होटल से निकल जाइए, बट हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उससे और पहले निकल जाए। आपको पता क्यों आए यहाँ पे आप? नहीं। आज इंडिपेंडेंस डे की परेड देखेंगे। इंडिपेंडेंस डे है ना आज? पता इंडिपेंडेंस डे आज की नहीं है? इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? नहीं पता था, तो समझाओ। लंच आ चुका हमारा, मैंने अपना बाहर से मंगाया हेल्दी फूड। रशि खा रही है पनीर पराठा, दादू खा रहे हैं पनीर और राइस। दादू और पापा के साथ मजा आता है कि मम्मा और दादी के साथ? कौन ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता है? दादू और पापा। अभी थोड़ा सा इशू हो गया, एक जो हमारा कैब वाला था वो थोड़ा सनकी टाइप है, तो आई एम गोइंग डाउन। मुझे अनफॉर्चुनेटली 100 नंबर पे कॉल करना पड़ा, तो पुलिस आ चुकी नीचे। मैं देखता हूँ, फॉरवर्ड कर लेता हूँ। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि आज के दिन 15 अगस्त के दिन ऐसा हो गया, बट सर क्या मसला आपका? सब लोग रेडी हो चुके हैं, रशि रेडी हो गई, दादू रेडी हो गए, मैं अपनी स्पेशल ड्रेस में रेडी हो गया। रशि की भी स्पेशल ड्रेस आई थी, लेकिन रशि ने पहने क्यों नहीं, ढीली थी आपको? हाँ। तो हमारी ड्रेसेस कल ही बन के आई हैं, तो सिर्फ मेरी ही फिटिंग ढंग की आई, रशि की फिटिंग ही नहीं आई। बारिश होने लगी भाई रशि, अब हम कैसे देखेंगे परेड भाई? हो सकता है लोग कम हो जाएंगे। यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा, बिल्कुल बारिश नहीं। भैया कह रहे हैं ये सीधा रोड है, ये सीधा पाकिस्तान चला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ये अटारी गांव है, तो दिस इज द लास्ट गांव बॉर्डर के पहले। स्टेशन देख लेंगे। ये देखो टेम्पो वालों के जा रहे हैं लोग, गाड़ियाँ यहीं से घुमा रहे हैं, आगे तक जाने नहीं दे रहे। तो हम लोग अभी यहीं तरह का, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है और इसके आगे गाड़ियाँ बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा हूँ, तो मैम परमिशन थी, और अभी कोऑर्डिनेट करना इम्पॉसिबल सा हो रहा है, यहीं से आ जाऊँगा। तो ऑटो ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया इसके आगे, अभी हमें जाना है उस झंडे तक। रशि के बना, रशि बनवाएगी, चलो भाई बड़ा बनाना अच्छा। रशि क्या बची है भाई, जैसे हमने झंडा लिया बड़ा वाला, एकदम से बारिश आई, भागे सब लोग अंदर। पापा ने झंडा उठाया, मैंने रशि को उठाया, गोदी भागे नहीं। आपसे भी से बहुत से लगाए साथी, यहाँ से कह रहे हैं किसी भी पेश किया जाएगा। आप सभी दर्शक से उम्मीद है कृपया अपने जगह पर अवश्य डांस करें। टीम पेश किया जा रहा है देखो, ये ना इंडिया है, उस तरफ देख रहे हो, उस तरफ दूसरी कंट्री है, ये इंडिया है, ठीक है। मैं आपको होटल चल के सब समझाऊंगा कि आज क्या किया हमने, क्या नहीं किया। ओके, क्या बेटा? रात को नहीं, अभी 5 o'clock शुरू हो जाएगा, बस शुरू होने वाला है, ठीक है। इंडिया और बगल में पाकिस्तान है, दूसरी कंट्री है।
सो अभी बज चुके हैं 5 और बारिश होने लगी है। पापा ऋषि पीछे चले गए, मैं बैठा हूँ ऐसे। 5 बजे अंधेरा हो गया आज। सेरेमनी हो चुकी है कंप्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे अभी पैदल ही जाना पड़ेगा बहुत। कैसा लगा आपको ऋषि? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा पापा? मजे आए। वो जो गेट खुलता है ना, जो क्या मजा आया जब सामने प्रदर्शन करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, यहाँ परेड स्टार्ट होती है, वो मेन पार्ट है। अच्छा, कितना सारा क्राउड अभी जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेला छूटा है। रोड है इस तरफ इंडिया, इस तरफ निकल रहा पाकिस्तान। पापा यहाँ पे फोन सिग्नल आए, यहाँ अंदर पूरे फोन सिग्नल कटे हुए थे। हाथ मत छोड़ना चाहे जो भी हो जाए। यहाँ पे इतना भयंकर जाम है, किसी को गाड़ी नहीं मिली और ना फोन के किसी के सिग्नल आ रहे हैं। हम लोग सही में बहुत थक गए थे और एकदम से पापा कह दी मैं केक खाऊंगी वहां पे, मेरे को केक ले दो, केक ले दो। ऋषि देखो केक आ गया भाई। अरे भाई थैंक यू सो मच, नोट भी लिखा हुआ है। देखो इतनी जल्दी पापा फोटो भी प्रिंट कर दी। पापा ऋषि के लिए भी नोट है, डियर रस भरी। कह रही पापा कलरिंग बुक दे दो एयरक्राफ्ट में। नहीं कलरिंग बुक दे दो, कलरिंग बुक भी आ गई तुम्हारी। नहा लिया अभी पापा, नहाने गए हैं, खाना मंगा लिया, चाय मंगा लिया, खा के सोएंगे, कल सुबह ऐसे निकलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अपना ख्याल रखें और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, और आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार। इंडिया का 75वां योम आज़ादी इस बार खसूसी तौर पर इसलिए भी मनाया गया कि ये 75 साल मुकम्मल हुए थे, और दूसरी तरफ इंडिया में मुहिम चलाई गई थी हर घर तिरंगा की मुहिम। और जहाँ पर भी इंडिया में अक्सर सरकारी इमारतें, निजी इमारतों में, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर जगह जगह लिखा हुआ था 75, तो लोगों को एक तरकीब दी गई थी कि इस बार एक यादगार तरीके से इंडिया का योम आज़ादी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वो काफ़ी नतीजा देखने को मिला, जिसकी एक मिसाल हमने अभी वाघा बॉर्डर के ऊपर देखी है। सच में बहुत ज़बरदस्त था, कोई जगह खाली नहीं थी, ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से, दोनों तरफ से लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। भारतीयों का जोशो खरोश इसलिए भी ज़्यादा दिखाई दे रहा था क्योंकि वीडियो ऑनर खुद भारत में थे, उनके पास ही पाकिस्तान था। जो पाकिस्तान में बैठ के वीडियो बना रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि पाकिस्तान में ज़्यादा जोशो खरोश है, लेकिन क्राउड को लेकर इंडिया में क्राउड यकीनी तौर पर ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पर बैठने की
जो जगह है वो भी अच्छी खासी ज़्यादा है। वाघा बॉर्डर पर हर शाम परेड होती है, लेकिन ये 75वां योम आज़ादी था इसलिए इस बार खसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया था। इस परेड को वैसे मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार देख चुका हूँ, योम आज़ादी नहीं थी वैसे, कोई आम सा दिन था, लेकिन उस दिन पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा था तो उस वजह से भी कोई थोड़ा बहुत जोशो खरोश था। मज़ीद रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। वीडियो ऑनर ने सारे नज़ारे को देखने के लिए अच्छा खासा संघर्ष किया है। वो किसी और शहर से आए थे फ्लाइट लेके, फिर उधर आके अमृतसर में आके होटल में रुके, और वो ठीक कह रहे थे कि ये एक सड़क है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है और ये एक दरवाज़ा है जो शायद खुलने में अभी भी कई दहाइयाँ या कई सदियाँ ले लेगा। कहने को तो एक दरवाज़ा है लेकिन वो इतना पक्का है कि दोनों तरफ से वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों में से कोई तो कभी तो ऐसा होगा कि कोई इस दरवाजे को खोल देगा। कहने को एक दरवाज़ा लेकिन इसे खुलने में शायद अभी भी कई दहाइयाँ या कई सदियाँ लग जाएँ। एक चंद कदम का फासला है जो तय होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये दरवाजे खुलने चाहिए लोगों की फलाह बहबूद के लिए, 160 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। यही पैगाम देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से भारत को भी और भारत की तरफ से पाकिस्तान को भी। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा लगा देख के, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रक्षा चाहते हैं तो अपनी कीमती रकम बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।